दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दिल्ली डीएलएड में गवर्नमेंट डाइट कॉलेज आपको कितने नंबर पर मिलेगा, 150 में से आपको कितने नंबर लाना होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग बताने वाले हैं। ओके गाइज, और मैं आपको रैंक भी बताऊंगा कि कितना रैंक आपको लाना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, आप ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी किसी भी कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो ओके गाइज, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा और पिछले साल 2023 में जो है कितने रैंक वालों को गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्टूडेंट के बारे में बताता हूँ। देखिए, एक स्टूडेंट था गाइज जिनका रैंक जो है ना 1600 रैंक आया था, वो ओबीसी कैटेगरी से थे, ठीक ना, ओबीसी कैटेगरी से थे। अब गाइज देखो, ये जो देखिए दिल्ली डीएलएड में दो तरीके के रैंक जारी किए जाते हैं। एक ओवरऑल रैंक होता है जिसे स्टेट रैंक कहते हैं, जिसमें सभी कैटेगरी के स्टूडेंट का जो है ना मिक्स मतलब रैंक आता है, जैसे ओबीसी एसएसटी सबका मिक्स होता है, तो ओवरऑल रैंक आता है कि आप नंबर के अपने नंबर के अकॉर्डिंग जो है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग नहीं, आप अपने नंबर के अकॉर्डिंग इतने स्थान पर आए हो। तो 1600 रैंक आया था गाइज ओवरऑल। अब यहाँ पर क्या है ना गाइज, सारा खेल है सीट रिजर्वेशन का, कि कितने सीट किसके लिए रिजर्व है, ठीक ना। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट था ओबीसी कैटेगरी से और इनका जो रैंक था ओवरऑल 1600 आया था, तो गाइज मैं इनको बोल दिया था कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल नहीं मिल पाएगा, कम चांस है, क्योंकि 1040 सीट ही रिजर्व है और आपका रैंक जो है 1600 के आसपास आया है। लेकिन गाइज उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, फिर वो कमेंट करते हैं सर आपने तो बताया था कि मिल नहीं पाएगा, तो फिर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिल गया। तो गाइस देखो, उनका जो है ना एक चीज़ मैं देखना भूल गया था, उनको बताना भूल गया था कि इसमें वेटेज रैंक होता है। वेटेज रैंक का मतलब होता है कि आपका वेटेज रैंक कितना आया है सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। सीट मैट्रिक्स का मतलब है कि कितनी सीट आपके लिए रिजर्व था। अब देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ उनका वेटेज रैंक क्या था, ये भी मैं आपको बताऊँगा। जनरल ओबीसी एससी एसटी इस तरीके सीटें रिजर्व हैं। अब टोटल कितना यहाँ देख लीजिए, जनरल के लिए 555 है, क्योंकि इसके स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा होती है इसलिए ज़्यादा सीटें रिजर्व है। उसके बाद ओबीसी 156, उसके बाद एससी 156, एसटी 78। अब गाइस उनका जो वेटेज रैंक था ना, ये दोस्तों 250 था, तो वेटेज रैंक के अकॉर्डिंग ही पता चलता है। अब 156 सीट रिजर्व है और 250 रैंक वेटेज था ओबीसी से, तो कैसे मिल गया गवर्नमेंट कॉलेज। तो रीजन क्या है दोस्तों, पिछले साल लगभग जो है 40 से 50 स्टूडेंट का जो है ना एडमिशन रिजेक्ट हो गया था, उनका ओबीसी सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं था, एक साल से ज़्यादा पुराना था। देखिए ओबीसी रिन्यू अगर आपका नहीं है तो एडमिशन तो हो जाएगा, आपको जनरल में कर दिया जाएगा, तो जो भी 4-5 नंबर का बेनिफिट होगा उसको कट कर दिया जाएगा। तो ये है, तो उनका जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था, इस वजह से मिल गया था। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, अगर आपका वेटेज रैंक जो है 250 के आसपास आता है, तो आपको चांस है कि फर्स्ट या सेकंड मेरिट लिस्ट कट ऑफ लिस्ट में आपको कॉलेज मिल जाएगा। और जो जनरल से है उनका कम से कम दोस्तों यहाँ पर 600 या 650 के आसपास अगर आता है रैंक, वेटेज रैंक, तो आपको मिल जाएगा। ओवरऑल रैंक अगर जनरल से हो और ओवरऑल रैंक अगर आपका 2000 के आसपास आ रहा है, 2000 के अंडर मतलब नीचे आ रहा है, तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि ओवरऑल में मिक्स रैंक हो जाता है, ठीक ना, वहाँ कैटेगरी नहीं देखा जाता है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ एससी का, तो अगर आप एससी कैटेगरी से हो, अगर आपका जो है यहाँ पर 200 रैंक आ जाता है, 200 तक वेटेज रैंक, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन वहीं पर मिक्स कैटेगरी की बात करें, तो अगर आप एससी से हो, अगर आपका रैंक दोस्तों 5000 भी आ जाता है ना, फिर भी आपको गवर्नमेंट मिल जाएगा ओवरऑल रैंक। अब बहुत सारे स्टूडेंट दोस्तों कमेंट करते हैं कि सर एक स्टूडेंट है जिनका रैंक 5000 आया है, तो उनको तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, और मेरा रैंक जो है यहाँ पर 1500 आया, मैं जनरल से हूँ, फिर भी मुझे नहीं मिला। तो यहाँ पर आप देखिए ना, स्टेट रैंक की बात हो रही है, ओवरऑल रैंक उनका स्टेट रैंक आया है 5000, लेकिन वो एससी कैटेगरी से, इसलिए उसका वेटेज रैंक जो है 2000 के अंडर में आया है, तो इसलिए उनको मिल गया। तो ये चीज़ें नहीं पता होता है स्टूडेंट को, ठीक ना। बाकी एसटी का मैं बता देता हूँ, अगर आपका जो है यहाँ पर 150 के आसपास भी आता है, तो भी आपको मिल जाएगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अदर कोर्सेज में एडमिशन ले लेते हैं, कुछ स्टूडेंट का एडमिशन रिजेक्ट होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ना होने की वजह से। ओके गाइस, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। जनरल का मैं बता देता हूँ, यहाँ पर अगर आपका जो कम से कम 650 तक का आता है वेटेज रैंक, तो आपको मिल जाएगा। ओबीसी का आपको मैंने बता दिया 250 के अंडर आना चाहिए, एससी का 250 के अंडर आना चाहिए, एसटी का यहाँ पर जो है 120 के आसपास आ रहा है, तो भी मिल जाएगा आपको। अब गाइस मैं आपको नंबर बताता हूँ, तो देखिए दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जब आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा ना, तो आपको नंबर नहीं बताया जाएगा कि आपके 150 में से इतने नंबर आए हैं, ये गलत करते हैं, उन्हें नंबर बता देना चाहिए था। ओके गाइस, देखिए अगर आप जनरल से हो, तो आप जो स्टूडेंट जिन्होंने जिनका मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज मिला था ना ओबीसी कैटेगरी से, जिनका ओवरऑल जो है 1600 रैंक आया था ओबीसी से, उनका मैं बता देता हूँ
वो गाइस 2023 में क्लास ट्वेल्थ उन्होंने कंप्लीट किए थे, ठीक ना, 2023 में, और उनके क्लास ट्वेल्थ में आर्ट्स स्ट्रीम से, आर्ट्स मतलब सब्जेक्ट से उनका जो है 91 के आसपास आया था। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि वो स्टूडेंट पढ़ने में कैसा था, ठीक ना, 91 आया था उनका क्लास ट्वेल्थ में ओवरऑल 5 सब्जेक्ट में। और गाइस वो लगभग जो है ना एक से दो महीने उन्होंने तैयारी किया था, अच्छे से तैयारी किया था, 91 आए थे क्लास ट्वेल्थ में, तो इससे पता चल सकता है कि वो तैयारी अच्छा किया होगा क्योंकि वो पढ़ने वाली लड़की थी। तो ये अंदाजा आपको पता चल गया। तो इस हिसाब से आप ये लगा लीजिए दोस्तों कि अगर आप जनरल से हो 150 में से अगर आप 110 या फिर 100 स्कोर कर लेते हो, 100 प्लस अगर आप ले आते हो तो इजीली आपको गवर्नमेंट मिल जाएगा, 1040 सीट रिजर्व है। और ज़्यादा कंपटीशन नहीं है दिल्ली में, ज़्यादातर स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है क्योंकि बड़े बड़े जो यूट्यूब चैनल वाले होते हैं वो बताते ही नहीं है, तो लोगों को पता कैसे चलेगा, ठीक ना। अगर आप दोस्तों ओबीसी कैटेगरी से हो, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का लगभग सेम जाता है, तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर 90 प्लस स्कोर करना होगा। एससी से हो तो आपको 85 स्कोर करना होगा, एसटी से हो तो आपको 80 प्लस स्कोर करना होगा, लाना होगा इतना नंबर, तो आपको इजीली मिल जाएगा। अब ऐसे स्टूडेंट जो पिछले दो महीने से अच्छे से तैयारी कर रहे हैं वो टेंशन फ्री रहिए, आप अच्छे नंबर ले आओगे। बट ऐसे स्टूडेंट जो लास्ट के 10 दिन में तैयारी कर रहे हैं तो उसका पॉसिबल नहीं है, आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिल पाएगा। लेकिन अगर आप किसी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे या फिर आप पढ़ने में अच्छे हो, आपका क्लास 12 तक रिजल्ट अच्छा रहा है, 90 प्लस स्कोर करते आए हो, तो फिर आपका यह है कि जो आपका बेसिक जो है ना साइंस मैथ रीजनिंग तो नहीं होता है उसमें, साइंस मैथ हो गया आपका, सोशल स्टडी हो गया, जीके जीसी आपका स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप निकाल लोगे एग्जाम, इतना टफ नहीं होता है।